अर्चना जी, आपको पता है हमारे देश की सबसे खूबसूरत चीज कौन सी है? जॉइंट फैमिली। हम सब ने तकरीबन तीन तीन जनरेशन देखी हैं और कुछ किस्मत वालों ने चार भी देखी हैं। इस बात के लिए तालियां बनती हैं। अच्छा, जैसे हमारी जनरेशन चेंज होती है, फिल्मों की जनरेशन भी चेंज होती है। आप 60s की फिल्मों का प्यार देख लो, कैसे होता था। हीरो हीरोइन नजरें नहीं मिलाते थे। हीरोइन तो शर्म के मारे नहीं मिलाती थी, वो पल्लू लपेटती रहती थी। वो शर्म के मारे नहीं मिलाती थी, हीरो डर के मारे नहीं मिलाता था। क्यों? इधर उधर देख के बात करता था। है ना? तो पहले आंखें भी नहीं मिलती थी, उसके बाद वक्त बदल गया, सारे इशारे जो हैं आंखों आंखों में होने लगे। अच्छा। आंखों पे गाने भी कितने आ गए। अच्छा। अब वक्त बिल्कुल उल्टा आ गया है। अब अखियां मंगेगी भाड़ में, सीधे होठ मिलाते हैं। अच्छा, वो होठ मिला रहे हैं लेकिन जो फिल्म देख रहे हैं वो नजरें नहीं मिला पाते। तो बेसिकली चीजें वही हैं, खाली स्थान परिवर्तन हुआ है। पुरानी फिल्मों का एक्शन देख लो आप, कैसे होता था। अच्छा, बड़ी देर हमें यही लगता रहा कि मुक्के की आवाज डिशुम आती है। हीरो भी जब मुक्का मारता था डिशुम, बच्चे मोहल्ले में छोटे छोटे लड़ाई करते थे ना, वो भी आवाजें निकालते थे मुंह बिशुम। अच्छा, एक हाथ से बिशुम करते थे, दूसरी हाथ से चट्टी पकड़ रहे थे बिशुम। ये तो हमें अब जाके पता चला है कि घूसे की तो आवाज ही नहीं होती, आवाज तो थप्पड़ की होती है। वो भी हम शादी ना करते तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, आजकल तो एक एक थिएटर में 6-6 स्क्रीन है, सैकड़ों लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, 6-6 गांव में कोई एक जगह ढूंढते थे, वहां पे जाके प्रोजेक्टर लगाते ना, चादर लगा के उस पे दिखाते थे। अच्छा, कोई लोग ट्रैक्टर पे आके फिल्म देखते थे, ट्रैक्टर पे आए तो ट्रैक्टर पे बैठ के देख रहे हैं, जो ट्रैक्टर पे बैठ के देख रहा है उसको बच्चन साहब 1 फीट छोटे लगते थे, और जो जमीन पे बैठ के देखता था उसको बच्चन साहब 8 फुट के दिखते थे। अरे, जो चादर भी इस्तेमाल होती थी ना, वो सेम चादर होती थी जो सरपंच की शादी में इस्तेमाल हुई थी। कभी दाल गिर गई तो पीला निशान रह गया, और पीले वाले निशान के जब बीच में हीरो आता ना, कभी धर्मेंद्र पीले लगते थे, कभी विनोद खन्ना पीले लगते थे, कभी मीना कुमारी पीली लगती थी। ऐसे फिल्में देखते थे उस समय। पहले की फिल्मों में देख लो आप, विलेन जो तकरीबन डाकू होते थे, आते थे घोड़े पर तुड़ तुड़ लूट के फिर वापस जंगल में चले गए। उसके बाद थोड़ा सा जो विलेन थे थोड़े अपडेट हो गए, उन्होंने अपने अड्डे बना लिए। जैसे शाकाल का अड्डा, मोगैम्बो का अड्डा, उनमें से एक कांचा चीना के अड्डे पे तो आपने डांस भी किया है। आजकल विलेन देख लो कैसे आ गए हैं, 6-पैक वाले, सोनू सूद टाइप। हीरोइन खुद कहती है, हीरो थोड़ा लेट हो गया तो आप उठा लेना, मैं देख लूंगी। माहौल बदल रहा है। अच्छा, हीरो का एटीट्यूड भी बदल गया आजकल फिल्मों में ना। पहले के जमाने में अगर हीरो को चक्कू लगता था ना, तो वो मान लेता था कि मैं तो मर गया। वो अपनी जिंदगी की जो लास्ट 4 लाइनें होती है वो बोलनी शुरू करता था, माँ मैं जा रहा हूँ, माँ खेत बेच के कुड़िया की शादी कर देना माँ, और अब चाय पत्ती के डिब्बे में 35 रुपए पड़े निकाल लेना माँ, खत्म। फिर टाइम थोड़ा सा बदल गया, फिर अगर हीरो की पीठ पे चाकू भी कोई मार देता ना, ठक, वो मरता नहीं था, ऐसे खड़ा हो जाता था, खुद चाकू निकाल लेता था। बुजदिल कहीं के हाँ, फिर हीरो उल्टा निकाल के, बुजदिल कहीं के पीठ पे मारेगा, सीने पे खाएगा, ए हम, वो मर जाता था विलन। लेकिन हीरो ऐसे रहता था। एटीट्यूड में कैसे बदलाव आया। अच्छा, किसी घर में कितनी जनरेशन रह रही है इस बात का अंदाजा आप उनकी तार पे सूख रहे कपड़ों से लगा सकते हो। अगर एक तार पे लंगोट, कच्छा और फ्रेंची साथ में सूख रहे हैं, तो समझ जाओ कि 3 जनरेशन है। सीधा सीधा हिसाब है, लंगोट दादा का, कच्छा बापू का, और फ्रेंची बेटे की। अच्छा, तीनों जनरेशन में पैर छूने का तरीका कितना बदल गया। पहले के टाइम पे जो हमारे बाप दादा तो कैसे पैर छूते थे, बुजुर्गों के पैर छूते नहीं, कल दबाते भी थे, प्रणाम बाबूजी, पूरा आशीर्वाद लेते थे। दूसरी जनरेशन जो बीच वाली आई, वो बीच तक ही आती, पैर नहीं छूती पूरा, वो घुटनों तक पैर बना बाबूजी, पैर बिना करके निकल जाते, हाथ भी नहीं टच करता घुटने से। अब तीसरी जनरेशन आ गई है जो अपनी छाती पे हाथ रख के बोलती थी, बाजी पैर बिना। अच्छा, कई बुजुर्ग भड़क जाते हैं, कहते मैं कोई 5 पैरों वाली गाय हूं जिसका 5वां पैर इधर लगा, इधर चुप।
अच्छा आपका फोन कौन उठा के जवाब दे रहा है इसका भी पता चल जाता था कि कौन सी जनरेशन बात कर रही है। अगर तो बच्चा उठाता है तो वो साफ बोल देता है पापा बाथरूम में। अगर माँ उठाती है बीवी तो बीवी बाथरूम का नाम ही लेती, सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। अब वो थोड़ा बाहर गए थोड़ी देर बात कर लेना। अच्छा। अगर दादी उठाएगी वो सारे कच्चे चिट्ठे खोल देगी, कौन राजेंद्र प्रसाद राजू वो तो लैटरिन गया। और घर का नाम भी बता देगी और कर क्या रहा है वो भी बता देगी। बुजुर्ग लोग नहीं परवाह करते। पहले घरों में जब खाना खाते तो बाबूजी का वेट किया करते थे, बाबूजी आएंगे तो साथ में खाएंगे। अब थोड़ा माहौल बदल गया, बाबूजी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पिज्जा वाले डिलीवरी अलग ही वेट करते हैं। बाबूजी चाहे 2 घंटे लेट हो जाए फर्क नहीं पड़ता, पिज्जा वाला 5 मिनट लेट हो ना भड़क जाते उस पर, अरे इतनी लेट उस पर इतना भड़कते जैसे वो मरीज के लिए खून की बोतल लेके आ रहा है। तेरा इंतजार करते करते छोटा बच्चा तकिया खा गया। अब खा तो गया निकालेगा कैसे वो। जिन घरों में 3 जनरेशन होती है ना महंगाई का अंदाजा भी इस बातों से लगाते हैं कि हमारे टाइम पे तो 10 रुपए का किया था 1 किलो। दूसरा बेटा बोला 500 का तो हमने खरीदा बाबूजी। तीसरा बोला था अब 1000 हो गया थोड़ा कम डालो। फिर हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो अंदाजा इसी बात से लगाते ना कि घी वीघी से, बाकी थोड़े अमीर लोग होते हैं वो सोने का अंदाजा लगाते हैं उस समय सोने का ये भाव था। एक वो भी ब्रीड होती है जो मोतियाबिंद से अंदाजा लगाती है, जो कहते हैं दादाजी की आंख तो बनाई थी 2500 रुपए बन गई थी, पिताजी के टाइम 10,000 की हो गई, अब तो 25,000 खर्चा है फिर भी आंख के सामने फुटबॉल घूमता रहता है। वो अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं महंगाई का। अच्छा बड़े परिवारों में ऐसे होता ना कि नई बहू आती तो उसको सोने का कड़ा देते हैं, बोलते बेटा तेरी सास भी यही पहनती थी, आगे उसकी सास ने भी उसकी सास को दिया होता है। जिनके पास बजट अच्छा होता है वो सोने का कड़ा दे देते थे, हम जैसे परिवारों में वो कड़ा ही देते थे, बेटा तेरी दादी ने भी इसमें पूड़ियां तली थी। अच्छा। तेरी माँ ने भी इसमें तली है। अच्छा। आगे तेरी बहू भी इसमें तलेगी। फिर एक जनरेशन ऐसी आती जो नशेड़ी निकलती है, वो फिर कड़ाई बेच के बोतल ले आती है। दादा परदादा के टाइम पे जब दिवाली होती थी ना, मतलब घी के दिए जलाते थे। हाँ। या दियो में तेल डालते थे, उसके बाद मोमबत्तियां आ गईं। हाँ। फिर ये इलेक्ट्रिक दिए आ गए। हाँ। अच्छा वो आपको पता है जो घी वाले दिए थे वो बड़ा वो रिस्की होते थे। क्यों? क्योंकि वो दादा लोग जो जलाते थे ना उसके, तो जितना घी गिर जाता था वो बालों पे लगा लेते थे। उतनी देर में किसी बच्चे ने रॉकेट छोड़ दिया, घी आग पकड़ लेता था, तो रात को दादा के पूरे बाल सुबह कांचा चीना बना होता था। अच्छा एक बात थी, पहली की जो जनरेशन थी उनके घर में जितने भी मर्जी मेहमान आ जाएं, ज्यादा लोग आ जाएं तो वो खुश होते थे। कहा जाता था कि ऐसा उन घरों में बरकत होती जिनमें ज्यादा मेहमान आते हैं। आज की डेट में अगर किसी एक ने टाइम दिया साथ में किसी दूसरे को लाया, अंदर जाके बीवी से लड़ रहे होते, ये मिश्रा इतना गधा आदमी बेवकूफ आदमी, साथ में बच्चे ले, कितने गंदे बच्चे इसके, ताऊ जी सो रहे थे उनका नाड़ा खींच दिया। वो तो शुक्र है ताऊ जी लेटे हुए थे। पहले की पीढ़ी जो होती ना तुलसी के पेड़ लगाती थी घरों में। हाँ। उसके बाद की पीढ़ी आ गई वो मनी प्लांट लगाने लगे। फिर आजकल की जनरेशन ये कैक्टस के पौधे लगाते हैं क्योंकि जगह कम है। अच्छा फिर कभी यही कैक्टस पिछवाड़े में चुप जाए ना तो काम फिर वही दादा की तुलसी का लेप ही आता है। पुराने लोग बड़े नुस्खे बताते ना, जैसे हमारे दास दादा, इनके पास हर बीमारी का एक इलाज है। जैसे अगर आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो बोलते हैं नाभि में सरसों का तेल लगाओ। इन्होंने इतना तेल पिलाया ना अपनी नाभि को, कसम से इनकी नाभि फिसल के घुटने पे आ गई है। पर हम सबके दादा दादियां कोई ना कोई नुस्खा बताते ही है ना, कि जैसे चोट लगी है तो हल्दी वाला दूध पी लो, या मधुमक्खी ने काट लिया तो लो ही गर्म चाबी घिसो। आप में से भी आई एम श्योर आपके दादा दादियों ने बताए होंगे कोई नुस्खे, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, किसी काम ही आ जाएंगे। कोई है जो शेयर करना चाहता है? हाँ जी सर। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। नमस्कार जी। नमस्ते कपिल सर, वी लव यू, यू आर डूइंग अ नोबल जॉब and you are making India laugh, smile. Thank you, sir. There are many. Thank you, sir. धन्यवाद। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं I am इंदौर में हूँ अभी। इसके पहले मैं Indian Air Force में था, 32 years I served in Indian Air Force, sir. अच्छा वाह। सर रही नुस्खे की बात। जी। नुस्खा है जो मैं बताना चाहूँगा आपके लिए। जी सर। आपने देखा होगा चलते चलते कभी या सोते हुए या कुछ खेलते हुए हमारी गर्दन की नस चढ़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। राइट। तो उस समय क्या होता है कि हम बड़े परेशान हो जाते, दर्द ऐसा हो जाता है कि ना उठ पा रहे हैं ना। जी। तो दादी ने बताया कि बेटा तू लाख दवाई ले ले, 7 दिन नहीं जाएगा ये। अच्छा। लेकिन ये नुस्खा मैं जो बता रही हूँ तू अभी करेगा एंड अभी तुरंत ठीक हो जाएगी। अच्छा जी। तो उन्होंने बताया कि रविवार और बुधवार के दिन, हाँ जी, तू अपनी मम्मी और मामा का नाम लेके बेटा
चौखट के साथ में उसको 7 बार रगड़ लिया कर, बड़ा अजीब सा नुस्खा था, और चौखट से भी उससे मैं रगड़ना, कोई आपको देख ना रहा हो। देख ना रहा हो क्यों, नंगे होकर रगड़ना है? तो मतलब ये, अरे उसके पीछे लॉजिक क्या था जैसे? सर एक्चुअली क्या है कि आप उस समय की जब कोई सुबह का समय हो या शाम का समय, आपके ऊपर किसी की नजर ना पड़े, नजर ना पड़े, अच्छा नजर ना पड़े, नजर ना पड़े, दैट इज इट। ये पहली बार सुना मैंने सर। पर ये सुनने के बाद मेरे को एक विजुअल आ रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे चौखट पे करेंगे। ऊपर से ये भी ध्यान रखना, कोई देख ना रहा। नहीं नहीं, लेकिन सर मैं आपको एक्चुअली ना बनाया इसलिए होगा दादियों ने, अगर तो ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो कौन सा किसी ने देखा। शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपनी दादी माँ का नुस्खा शेयर करना चाहते हो? जी मैडम। कपिल सर, यू आर डूइंग सुपर जॉब। ओह थैंक्स बेब। जी कपिल सर, यूजुअली सबकी दादी ठीक होने के लिए नुस्खा देती है जी, बट मेरी दादी ने बीमार होने के लिए मुझे दिया था। क्यों? क्यों? एक्चुअली बचपन से हमें बोर्डिंग स्कूल में डाला गया था। अच्छा जी। तो समर वेकेशन होने के बाद जून में स्कूल स्टार्ट हो जाती थी, तो अच्छा वो स्कूल जाने के लिए वो मन नहीं रहता था, तो दादी का था सपोर्ट कि यार बच्चों को रहने दो घर पे, इस टाइप का। अच्छा, वैसे प्यार में? प्यार में। तो फिर दादी ने कहा कि मुझे बताया कि बगल में प्याज रख दो रात भर। हाँ ये मैंने भी सुना है। उससे बुखार होता था सच्ची में? नहीं, बट एक्चुअली मैंने रात भर रखा वो प्याज, सुबह तक कुछ भी टेम्परेचर नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है बुखार नहीं होता था, वैसे टीचर को स्मेल है, चल भाग यहाँ से, क्या है। फिर दादी ने कहा नसवार ले लो, उससे छींक आ जाएगी। अच्छा। फिर मुझे वो छींक स्टार्ट हो गई, फिर दादी ने मेरे कन्विंस किया मेरे पेरेंट्स को, उसको छींक से थोड़ी ना छुट्टी मिलती है आपको। नहीं, फिर उन्होंने कन्विंस किया कि अब इसके सिम्टम्स लग रहे कि ये बीमार हो जाएगी। अच्छा। 8 दिन उसको घर पे रखते हैं, फिर बाद में बोर्डिंग स्कूल डाल देते। टीचर वैसे खुद भी भेज देते ज्यादा छींक मारना? नहीं, टीचर के मुंह पे छींक मारो पेंटिंग हो जाए। क्या नाम आपने बताया अपना? वर्षा। थैंक यू वर्षा, शो में आने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो अपने नुस्खे शेयर करना चाहते हैं? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हाय। मैं पिंकी शाह हूँ, सांता क्रूज से। अच्छा जी। ओके। बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी दादी माँ हमेशा बोलती थी कि बेटा याद रखना कि कभी भी पेट में कुछ भी गड़बड़ हो या कुछ भी फीलिंग लूज मोशन जैसी आवे, उठ के टॉयलेट चले जाओ। नहीं नहीं, तो किचन में जाना, और किचन में जाना, वो मसाले की जो डब्बा है, हाँ जी, उसके अंदर जो राई रहती है, राई हाँ, वो एक चम्मच राई ले लेना और ऊपर पानी पी लेना। अच्छा। सुबह सब बंद। सुबह ना, रात में क्या करेगा आदमी? नहीं रात, नहीं रात से उठती। अच्छा, राई लेने से वो जो लाल रंग की छोटे छोटे दाने होते हैं, रात से जो फीलिंग आती है ना, जो गड़बड़ की, हाँ जी, हाँ जी, कम होते जाती है। अच्छा। वाह। तो तब से मैंने आज तक आपने अजमाया वो नुस्खा, उससे होता है ऐसे? हाँ। वेरी गुड, बड़ी अच्छी चीज बताई आपने। आप भी ट्राई करना, जब खराब होगा तब ट्राई करेंगे। जरूर जरूर। तो मैंने सुना राई अगर कहीं फेंक दो तो वो उग भी आती है, पहाड़ बन जाता राई का। हाँ सुना, सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा नुस्खा बताया, धन्यवाद पिंकी जी, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। हेलो कपिल। हेलो सर। वी आर वेरी मच फैन ऑफ यू। थैंक यू सर। सर मेरे को पीलिया हो गया था। अच्छा। तो मेरी दादी ने कहा कि जाके पंडित जी से झाड़ा लगवा लो। फिर? और फिर मैं गया पंडित जी के पास। हाँ। उन्होंने झाड़ा किया मेरे को। उससे हुआ पीलिया ठीक? नहीं, ठीक तो नहीं हुआ। और क्रॉन्च बढ़ गई होगी? हाँ बढ़ गई हो। तो फिर 7 दिन करवाने के बाद जो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा इसको बहुत बढ़ गया, अब जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। अच्छा। और कोई तरीका नहीं, अब तुम ठीक नहीं हो सकते। दादी का नुस्खा फ्लॉप? हाँ। तो आपने दादी से पूछा नहीं फिर हॉस्पिटल से आने के बाद? नहीं, मैं गया था, दादी से पूछा मैंने। अच्छा। तो बोले बेटा वो पंडित ठीक नहीं होगा। अच्छा। उसे सही झाड़ा नहीं लगाया। 2 दिन या हफ्ते भर में ठीक होने वाला, मेरे को 2 महीने लग गए और 1.5-2 लाख रुपए खर्चा आ गया। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि भले ही आप पंडित जी को दिखाओ या किसी को भी दिखाओ, पर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, इतना वो पैसे खर्च करके डॉक्टर बने हैं। बाबा का क्या, 6 दिन ना नहाओ शेव ना करो बाबा बन जाता आदमी।
सही बात है, झाड़ फूक इतना वो उनका कुछ होता, बिजनेसमैन ना बन जाते और झाड़ू लेके मार रहे हैं लोगों को। शुक्रिया, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो कपिल सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं नासिक से आई हूँ, मेरा नाम रसिका है, मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा जी, वाओ। डॉक्टर साहब, आप किस चीज की डॉक्टर है रसिका जी? आप लोगों को हंसाते हैं और हम उसी स्माइल को खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा, डेंटिस्ट। जी हाँ। कुछ नुस्खे एक काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। टोटके में बिलीव करते हैं डॉक्टर? बिल्कुल नहीं जी, नहीं, सवाल ही नहीं होता। मैं सबको यही रेकमेंड करूंगी कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दांत में अगर दर्द होता है तो आप लवंग रख सकते हो, वो कुछ देर के लिए काम करेगा। अगर दांत को बचाना है, यू नीड अ डॉक्टर, तो बी वाइज एंड गो टू डेंटिस्ट। अच्छा, उदाहरण इन्होंने दांत का ही दिया। दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट के पास, अपना प्रोफेशन रखा मैंने। जी नहीं जी नहीं, साथ में मेरी भाभी भी है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। अच्छा जी, नमस्कार जी, अपना कार्ड दे जाना हमें। तो भाभी से तो बात कराओ एक बार। हेलो भाभी जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ करते प्रैक्टिस? औरंगाबाद, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा। ओके मैम, ऐसे नॉलेज के लिए पूछ रहा था ऐसे ही, मतलब आजकल कितने केस आ जाते हैं, रोज डिलीवरी कितनी हो जाती है? प्राइवेट में तो थोड़े कम आते हैं, गवर्नमेंट में ज्यादा जाने लगे डिलीवरी। गवर्नमेंट में ज्यादा क्यों? अभी स्कीम्स गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ्री के स्कीम्स निकाले हैं, तो लाइक जननी सुरक्षा योजना, ऐसे टाइप्स के बहुत स्कीम्स हैं। बड़ी अच्छी चीज है, कईयों को पता ही नहीं होता। मैम, ऐसे कुछ टिप्स दे जाओ, आप आए हो तो, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, तो कुछ क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी मान लें। है ना, न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, पूरा अच्छे से 8 घंटे सोना चाहिए। अच्छा जी। जो योगा वगैरह है प्रॉपर प्रेगनेंसी के लिए, वो करने चाहिए जी। और रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस फ्री रहना और रेस्ट लेना। स्ट्रेस फ्री, आई थिंक। तो पति देवों को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना चाहिए अपनी बीवियों को। अर्चना जी, जब आपकी वाइफ प्रेगनेंट थी, सॉरी मैम, आई लव यू, पर बहुत अच्छा लगा मैम आप आए यहाँ पे, आपकी ननद भी आई, ननद भाभी दोनों डॉक्टर। ये ननद भाभी जो होती है, इनकी लड़ाइयाँ नहीं होती, क्योंकि वो अपने क्लिनिक में बिजी, वो अपने जिन्होंने रहने सारा दिन घर है। हस्बैंड भी डॉक्टर है सर। वाह, क्या बात है। तो आप जब लोग, आपके फैमिली फंक्शन होता है तो आप बर्थडे केक काटते हैं, ऑपरेशन करते हैं? ऑपरेशन ही करते हैं सर। पर कितने आपकी, जब वैसे फैमिली फंक्शन होता है, कितने डॉक्टर होते होंगे ना? एक्चुअली हमारे फैमिली में पूरे 10-12 डॉक्टर है। वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए, थैंक यू। अर्चना जी, आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो बहुत ही खास हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, कहते मुझे लेने आओ, मुझे रास्ता नहीं पता है, तो तू जा रहा है? मैं उनको लेके आता हूँ, आप कहीं चले ना जाना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। जी, आज हमारे यहाँ पे एक ऐसे मेहमान आ रहे हैं जो आते रहते हैं। अच्छा। मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, क्योंकि पिछले 5 महीने में ये तीसरी विजिट है उनकी। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा फिल्म बाला के लीड एक्टर एंड माय ब्रो आयुष्मान खुराना। जोरदार तालियां एक बार आयुष्मान खुराना के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ कह रही थी सर जी? लवली बोल रही थी, लवली। लवली मुझे नहीं बोला, मैं नहीं लवली। अब नाइस शूज भाजी। ओह थैंक्स ब्रो, क्रेडिट गोज टू सलमान खान। पाजी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। वैसे ही मैं कहा आने वाली फिल्मों को भी दे देते, हिट ही होनी है। जोरदार तालियां आयुष्मान खुराना के लिए। वैसे इस दुनिया में दो ही आदमियों की किस्मत अच्छी चल रही है, एक आयुष्मान जो लोगों को हंसा हंसा के पैसे कमा रहे हैं, और दूसरा आदमी जो हंस हंस के पैसे कमा रही हैं।
आप सब जानते हैं कि आयुष्मान ने बैक टू बैक 6 फिल्में सुपरहिट दी हैं, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, अंधाधुन, आर्टिकल 15 और ड्रीम गर्ल। जोरदार तालियां बनती हैं। एक फिल्म हिट देना बहुत बड़ी बात होती है बाजी, बैक टू बैक 6। और आपको पता है हमारे सेट पे बाहर कोई बात कर रहा था, कहते हैं आयुष्मान इतना बड़ा स्टार हो गया ना कि अभी ये बाला की प्रमोशन के लिए उन्होंने अक्षय कुमार को रखा हुआ है। नहीं सीरियसली, क्योंकि पर बाला का जो मुद्दा है वो बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। आज पाजी ये फिल्म के लिए आपको क्या अलग से क्या तैयारी करनी पड़ी थी? वैसे अलग से तैयारी पाजी ऐसा है कि ये फिल्म सिर्फ बॉल्डनेस के ऊपर नहीं है, ये सेल्फ लव के ऊपर है कि अपने अपने आप को अपनाना बहुत जरूरी है। कोई भी आपके अंदर कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन अपना कॉन्फिडेंस होता है उसको लेकर चलिए और कॉम्प्लेक्स से दूर रहिए। यही एक मैसेज हमारी फिल्म में है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। अब वक्त है फिल्म की दो खूबसूरत स्टार्स को यहाँ पे बुलाने का। सो प्लीज वेलकम वेरी चार्मिंग एंड वेरी टैलेंटेड गर्ल्स यामी गौतम एंड भूमि पेडनेकर। यामी, भूमि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या प्यारी लग रही हैं आप दोनों। आप भी। वाह। हमेशा। और मैंने देखा आप जो ताल से ताल मिला रहे थे आयुष्मान के साथ, बहुत टैलेंट है यार। मैं सिर्फ आपको देख रही थी। मैं जानबूझ के नहीं करता, नजर लग जाती है। मैं ना 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 कपिल ना ना ना। ऐसे करो कि मेरे साथ दादा फोटो लो ना, क्या करते मिस कर जाते। आपको मैं बता दूं कि जो भूमि है ये लड़कियों की आयुष्मान खुराना है। बैक टू बैक हिट फिल्में दे रही हैं और बैक टू बैक कपिल शर्मा शो पे आ रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा भूमि, आपकी हिट फिल्मों का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? कपिल शर्मा शो को। अच्छा, आदमी का टाइम अच्छा चल रहा हो ना तो सब्जेक्ट भी बड़े मजेदार मिलते हैं। एक तरफ यामी, एक तरफ भूमि है। तो कह रहे जिंदगी तो खुराना साहब के बेटे की। भाई साहब पीछे पड़ गया। यामी आपको और भूमि आपको हम लोग हमेशा शो पे इनवाइट करते हैं, कभी आप हमें अपनी फिल्म में इनवाइट करें ना। मैं ऐसे ही बोल रहा था आयुष्मान पाजी को भी। हाँ, हाँ, मतलब ऐसे मेरी तो शनि इतवार छोड़ के बाकी सारी डेट्स भी फ्री हैं। बस दो तीन हफ्ते में हम आपको बुला ही देंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, क्यों, आयुष्मान को तो मुझे लगता है यहाँ कमरा ही ले लेना चाहिए। वो वाला दे दो ना उसे, वो वाला दे दो, मुझे यहाँ दे दो, अब यहाँ रह ही जाते। अक्षय के साथ शेयर करना पड़ेगा, वो भी यही रहता है। तो आप अपना वाला क्यों नहीं दे देती? ये तो इतनी डर गई है ना, ये सोफा भी सोती रात को। हाँ, मेरी कुर्सी कोई ना ले ले वापस वापस। अच्छा जी, आप भी बहुत प्रीटी लग रही हैं आज। ओह थैंक यू। इसके बाद क्या बोलेगा अभी तू? आपको यकीन नहीं होता ना कि मैं आपकी तारीफ करूंगा। तेरी नजरें ऐसी है ना कि खूबसूरत लग रही है लेकिन आपके जो डोले हैं वो दारा सिंह की तरह है। मैं अर्चना जी आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा 30 साल लेट हो गया पैदा होने में। अब मुझे पता है अभी कुछ होने तो वाला नहीं है, हाथ हमारे आने वाली नहीं है। आप ऐसे मजाक कर देता हूँ, पर बाकी अर्चना जी मतलब इतनी टैलेंटेड है, खुद ट्रक चला के आना कोई मजाल है। इनका ट्रक पंक्चर हो जाए, उठा के कंधे पे रखती है, खुद ही चेंज करके आती है। जोरदार तालियां अर्चना जी के लिए। भूमि, यामी, आयुष्मान बाजी आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूमि पिछली बार आई थी आप तापसी और दो शूटर दादियों के साथ जी। इस बार यामी और आयुष्मान के साथ, कभी अकेले में हम नहीं ऐसे मिल सकते? I mean, I'm just asking, ऐसे ही। बस इतना फ्री टाइम नहीं है कपिल, छठी फिल्म आ रही है ये साल। इस साल छठी फिल्म। छठी फिल्म आ रही है आपकी, वाओ। थैंक यू। ऐसे ब्राह्मणों को सीधा नहीं मना करते, गुस्से हो जाते वो। पर जोक सपाट भूमि, सांड की आंख के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। सबको बताइए, यामी और आयुष्मान दोनों की डेब्यू फिल्म साथ में थी और भूमि की पहली फिल्म भी आयुष्मान के साथ थी, वो भी कमाल की फिल्म थी। बस ये कह लो कि आप दोनों के साथ फिल्में कर करके बंदा गंजा हो गया, अब तो छोड़ दो उनको। अच्छा यामी, भूमि, आपकी क्या सेटिंग है आयुष्मान के साथ फिल्म में? आई मीन सेटिंग, थैंक यू फॉर मेंशनिंग फिल्म में क्या सेटिंग। यामी की तो सेटिंग है और मैं इसकी सेटिंग बिगाड़ती रहती हूँ एक्चुअली। मुझे पता नहीं क्या दुश्मनी है आयुष्मान से, हाथ धोखे फिल्म के अंदर बचपन के दोस्त है पर अच्छा। दोस्त ज्यादा दुश्मन है। हाँ। लड़ते अच्छा। ज्यादा है और वैसे, और ये ऑफकोर्स ये मेरा लव इंटरेस्ट है और ये
अच्छा ऐसी लड़कियां होती ना कॉलेज में, एक ऐसी लड़की जरूर होती, एक तो होती जिससे आप प्यार करते हो, एक उसकी सहेली होती है ना, तो खुद पटती ना किस ना सहेली को पटने देती है। आप कॉलेज में कैसी लड़की थी? आपको क्या लगता है कपिल? मैंने पिछले बार कहा था मैं दिल की डॉक्टर हूँ। मैं उसी दिन से मेरा बीपी बढ़ रहा है बस, आप जब से बोल के गई ना। तो आप तो मरीज बन गए होंगे झट से, आप दिल के मरीज बन गए होंगे। मैं तो शुरू से ही हूँ ना, ये डॉक्टर लेट बनी है। इतने दिल तोड़े हैं मैंने कि मुझे दिल का डॉक्टर बनना पड़ा, तो समझ जाओ। मैं अगर अगले जन्म में लड़की बन गया ना, मैंने तो कहर किसी को मना ही नहीं करना मैंने। मतलब आई मीन टू से, मतलब सॉरी कहने का मतलब है कि पाजी ले या मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को कोई भी लड़का प्रपोज करेगा मैं मना करते हो लड़का बन के? नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। मना तो नहीं करते ना, तो कुछ चेंज नहीं है मतलब। मतलब चेंज नहीं है, लड़का और लड़की थे, इज नॉट जेंडर डिफरेंस। इस जन्म में भी मना नहीं करता लड़का होने के बावजूद, और लड़की होने के बावजूद किसी की मुस्कुराहटों पे होके निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, बाकी इन बिटवीन और जीना इसी का नाम है। आज क्या हो गया है कपिल को, इतना प्यार अर्चना जी पे? नहीं, आप तो क्या है, अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग फिल्में करते हैं, अलग अलग लोकेशन। हमारा तो यही है, मैं और मेरे ताऊ जी, हम तो बैठ आई मीन मैं और अर्चना जी। Well, then you get that back. Mumi Pendekar in the house. Yami Gautam in the house. Akshay Kumar in the house. Akshay Kumar ne Ayushman. Bro, itne mere ko malum hai yaar. Lekin Dream Girl ka success party ka plate abhi dhula nahi. Agla film leke idhar aa gaye hai. ये काम अभी तक खाली अक्षय कुमार करते थे, अभी सर भी शुरू किए हैं। अच्छे है, I like it. Bhumi ji, आप तो अभी आए थे। आए थे। आपका वैनिटी वैन का बचा हुआ खाना अर्चना जी घर भी नहीं ले गए, और आप तो इतना जल्दी वापस। वैसे यामी जी, आपको पता है अर्चना जी इधर से सब खाना वाना घर क्यों लेके जाते हैं? क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि इधर का खाना बहुत यामी है। वैसे भूमि जी, हाँ जी, आयुष्मान जी, मैं आपको खाली एक सलाह देने चाहे गए, सलाह एडवाइस लाइक कि आगे से आपको उसके साथ काम करने चाहिए। किस के साथ? वो कौन से राव है यार? राजकुमार राव? नहीं नहीं नहीं, ठहराओ। ठहराओ के साथ करो, कि जल्दी है ब्रो, जस्ट चिल मैन। क्योंकि सच्ची बोल रहे हैं, मैं आयुष्मान जी, मैं आपका फिल्म देखने जाते हैं, उसमें इंटरवल में जो फिल्म का ट्रेलर आते हैं वो भी उन्हीं का फिल्म होती है, उसके बीच में जो एड आते हैं वो एड में भी यही होते हैं। सर मैं बता रहा हूं, मैं तो ये डर से पॉपकॉर्न नहीं खरीदते कि मेरे पॉपकॉर्न के बीच में से किधर आपका फुदका है। वो ब्रो, ट्रेलर क्यों? लेकिन भूमि जी, आयुष्मान जी, मैं आपके आने वाले सब फिल्मों को चैलेंज करते हैं कि हिम्मत है तो आ सामने से आए। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक आते हैं यार। अच्छी बात है, पब्लिक उनको पसंद करती है। ना नहीं, पसंद कर सी तो अभी भूमि जी का शादी हो गए होते। उनकी शादी कहां से बीच में आ गई? हाँ। नहीं, इंडिया में ऐसे होते आए, अभी मेरे मौसी का लड़की को एक लड़का पसंद किए तो उनका शादी हो गए। इंडिया में पसंद करते हैं तो शादी हो जाते हैं। ये इंडिया का वो है, क्या बोलते हैं वो, बेटे का कार। बेटे का कार मतलब? मतलब बेटा मतलब सन, सन का कार, सन कार। ये ए भगवान, ए भगवान, ए भगवान। ब्रो तुमको अब हिंदी में नहीं आती है? तुमको इंडिया का वीजा कौन दिया यार? अरे मैं हूँ इंडियन। नहीं नहीं यार, इंडियन तो सनी देओल का मूवी है, मेरे को पते है। अच्छा तेरा नाम इतना अच्छा है, तो बातें क्यों नहीं अच्छी करता? अच्छा मेरा नाम अच्छा है तो मेरे को अच्छी बातें करने चाहिए। तो आपका नाम कप्पू शर्मा है, तो आप यहाँ पे कौन सा शर्मा शर्मा के दुपट्टे काट रहे ब्रो? इधर जितने भी हीरोइन जाते हैं सर, ये इतना आदमी फ्लर्ट करते हैं, जब आप फ्लर्ट करते हैं तब आपका कप्पू के शर्मा किधर जाते हैं? करेक्ट।
अभी शर्मा रहे वैसे। मेरे को मत सीखा हो यार, आपको सीखने तो आयुष्मान सिंह जी से जरा सीखी है। क्या आदमी जब पैसे बहुत कमाता है ना तो हवा में उड़ता है, लेकिन इनको देखिए इतना पैसा कमाया लेकिन फिर भी आज भूमि से जुड़े हुए है। आयुष्मान जी, मैं आप लोगों के फिल्म का ट्रेलर दे के बाला के वो 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 मैं आपको लोशन देने चाहते हैं। कौन सा लोशन? कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ लगाए वो लोशन? स्लो क्लैप। थैंक यू। इट हैज गॉटन वे बेटर। मैं आपको क्या लगे बाल उगाने के लोशन? नहीं नहीं नहीं, मैं आपका ट्रेलर देके, आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं बाल उगाने के लिए? मैं देके गोबर भी लगाए सर पे फिर भी बाल नहीं उग रहे, सच ही ऐसा है। लेकिन कमाल है, इतना एफर्ट करने के बाद मतलब वो सब देख के ना मेरे तो एकदम तरस निकल गए यार। Thanks. और कसम से उसी दिन अगर मेरे धन भी निकल जाते तो मेरे धन तरस हो जाते। अच्छा तू ना इधर उधर कितनी फालतू बातें कर ली तूने। यामी के साथ तूने अभी तक कोई ढंग की बात नहीं की। यामी जी से तो मेरे वकील बात करेंगे। वकील? ऐसा क्या हो गया? नहीं, मेरे पापा वकील है तो शादी का बात तो पापा ही करेंगे ना। यामी ने कब कहा वो तुमसे शादी करेंगी? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका पूरा जो परिवार है वो उनका शादी मेरे से कराने के लिए उत्सुक है। उत्सुक? उन्होंने कब ये बोला? झूठ बोल रहा है तू? ये पूरा हिंदुस्तान में सबको मालूम है, कोई भी मम्मी पापा रहते हैं वो अपना बेटी का शादी अच्छा लड़का से कराना चाहते हैं। मैं अच्छा है, मैं अच्छा यादव, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं ऐसा सोचा, तू अपने मन से सोच जा रहा है। अब मुझे अच्छा लड़का नहीं चाहिए। हाँ, अब नहीं चाहिए। शर्म नहीं आती? ऑरेंज कलर की पेंट पहन के झूठ बोलता है। तेरी पेंट का जूस निकाल लेगा कोई? सॉरी, कभी कभी व्हाट प्ले करता है। कोई बात नहीं है, मैं अकेले शादी कर लेंगे। अकेले नहीं, वन साइडेड लव हो सकते हैं, वन साइडेड शादी क्यों ना हो सकते है? कैसे? मैं क्या करेंगे, मैं 14 फेरे लेंगे, सात अपने लिए सात आपके लिए। और मैं फेरे लेने जाए रहे कपूर शर्मा, अगर तुमको चाहिए तो बोलो, तीन चार तुम्हारे लिए भी ले लेंगे मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यामी जी, मैं आपको बता रहे, आप बड़ा अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं यहाँ पे। बड़ा अपॉर्चुनिटी तो आप हैं। ऐसे वैसे आदमी नहीं है मैं। मैं आपको एक बहुत वो बात बताते, वो अपना ये दिवाली पे आप लोग ये खेलते क्या होते? पत्ते। मैं आपको एक पत्ते की बात बताते हैं। मैं लंदन में बहुत अमीर आदमी है। मैं बहुत अमीर है, मतलब ऊपर वाला इतना अमीर किसी को ना बनाए, तोबा तोबा, मैं बहुत बहुत अमीर है। उधर मेरे बहुत सारे वो है, वो इधर इधर बहुत सारा क्राउड आता है, पुलिस रोकते हैं तो उनको मारने के लिए क्या यूज करता है? डंडे। डंडे, मेरे बहुत सारे डंडे है लंदन में। मैं क्या बताया आपको, मैं उधर भिन्न भिन्न काम करते है, भिन्न 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 काम है तेरे। अच्छा, नहीं नहीं, काम एक ही है। भिन्न भिन्न से मेरा मतलब है कि उधर लंदन में जितना मिठाई का दुकान होते है ना, उधर मिठाई के ऊपर जितना भी मक्खी भिन्न 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 करते है, उनको उड़ाने का काम मैं करते है। मक्खी उड़ाना भी कोई काम होता है? अच्छा, इधर आप गेस्ट से पूछते कि आपका फिल्म कब आ रहा है, ये बात ऑडियंस को बताने के लिए आप सोनी का करोड़ों रुपया उड़ा देते है, वो काम है। मैं इधर पांच मक्खी को उड़ाने का चार पैसा कमाता है, उससे आपका आपत्ति निकल रहा है। आपत्ति निकल रहा है। बहुत हो गया, मैं बहुत सेंड कर लिया है आपका बातचीत। मैं आपने ना मेरा दिमाग का, मेरा ब्रेन का एकदम गुड़गोबर कर दिया है ब्रो। मैं इधर से जा रहा, मैं इधर रुक नहीं पाएगा। अर्चना जी, आज आप शाम को क्या कर रही है? कुछ नहीं, फ्री हूँ। फ्री हो तो आप सोने को इतना महंगा क्यों पड़ते हो? फालतू बातें तो जितनी मर्जी करा लो। फालतू बात नहीं करते मैं ब्रो। तो मैं बहुत बड़ा आदमी है, इसको आइडिया ही नहीं है मैं कितना रिच है मालूम है? बड़ा बड़ा लोग मुझे फोन करते हैं, बात करते हैं मेरे से। देखो बजा, मैं फोन बोला जैसे बजा। जॉर्ज क्लूनी के मेरे को फोन आए हैं,
में बात करेंगे। ये जॉर्ज क्लूनी, क्या तुम्हारे घर में चोरी हो गया और किसने किया इसका तुमको जरा भी क्लू नहीं? कोई बात नहीं, तुम उधर रुको, मैं आ रहा है। वो जॉर्ज भी है, उसको हम पकड़ लेंगे। ऑलराइट, मैं अभी फोन काट रहे हैं। सर, मैम, सर, मेरे को अभी जाने पड़ेगा, हेलीकॉप्टर वेट कर रहे हैं। तेरा नहीं, एक, मैं एक से तेरा हेलीकॉप्टर से मैं क्यों जाएंगे? अजीब बात नहीं है यार, मैं अपना स्पेशल बिना पंखे का हेलीकॉप्टर मंगाया, मैं उससे जाएंगे। बिना पंखे का? पंखा तो बिना पंखे कैसे चलेगा? हेलीकॉप्टर उड़ेगा ब्रो, चलेगा क्यों? ये कैसे चलता हुआ हेलीकॉप्टर कौन देखेगा? तेरा अपना हेलीकॉप्टर जो है ऊपर, ये अभी उड़ेगा, मैं जाएगा। कपूर शर्मा, तुम्हारा नजर में गिर गया है, किधर? ए उठो उठो, अभी मैं चलते हैं। थैंक यू, मैं बहुत खुशी हुए, अभी जाने पड़ेगा मुझे। Yeah, all right. I'm touching it. Touching it very hard, man. All right. We are good. अच्छा, इस फिल्म में बाल कम होने की वजह से आयुष्मान को शादी में दिक्कत आती है, और भी बड़ी सारी दिक्कत आती है, जैसे कभी कभी ये होता है ना कि लड़के की हाइट जो है, लड़की जो कम है जी, तो मना हो गया रिश्ता, या बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो आप शेयर कर सकते हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनमें शादी होने में दिक्कत आती है, तो आप अपना अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। मेरा नाम नीलम सोनी है जी, नीलम, मैं मुंबई से हूँ। नीलम सोनी जी, वाओ, सोनी टीवी पे नीलम सोनी जी। नीलम जी, मुझे आपसे पहले तो एक क्वेश्चन करना था सर। हाँ जी। मैं आपको कैसे लग रही हूँ आप? बताओ कपिल। आप बहुत प्यारी हैं और बहुत इंडियन अटायर में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। सर, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत प्यारी हूँ, बट फिर भी मेरे रिश्ते में काफी दिक्कतें आ रही है सर। क्यों? सर देखिए, जैसे एक दो रिश्ते के तो मैं समझ भी सकती हूँ कि पर्सनैलिटी बंदे की काफी अच्छी थी, तो अच्छा, मेरे वेट को लेके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बट एक तो उसमें से इतना मोटा था कि उसने मुझे ही रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये वही बात है जो आयुष्मान बाजी ने कहा, देखने का नजरिया है, तो उनकी किस्मत खराब है जो ऐसा बोल के गए हैं, पर हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल, और आंखें भी खराब हैं, आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। एक्चुअली मेरी मम्मी बड़ी डिप्रेस हो जाती है, तो वो हमेशा मुझे वेट लॉस करने के लिए कहती है, बट मैं उनको भूमि मैम का एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी मूवी थी एक दम लगा के हईशा में, तो आप भी काफी हेल्दी थे, बट फिर भी आयुष्मान सर ने तो आपको उठा ही लिया था। तो मैं बोलती हूँ चाहे नीलम, यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। नीलम सोनी है। जो लड़का आपको मना कर रहा है, आपको डिजर्व ही नहीं करता, पहली बात तो ये है। सही बात। थैंक यू, थैंक यू सर। And you deserve the best in life. Thank you. I'm just waiting कि कोई आपकी तरह स्मार्ट मुझे भी मिल जाए। अरे बेर से भी स्मार्ट मिलेगा। यही क्यों नहीं आइए ना मंच पे, दो मिनट आइए। पाजी, जैसे आपने भूमि को उठाया था दम लगा के आयशा में, देखो उस टाइम में 10 किलो ज्यादा था जब भूमि को उठाया था। नहीं, पर आयुष्मान ने तो उठा ही लिया था दम लगा लिया था, में तो प्रूव हो गया कितने स्ट्रॉन्ग हो। या, या। अब कपिल का टर्न है। कपिल को उठा रहा जी। कपिल को उठा रहा जी। हेलो सोनी साहब को, सिद्धू पाजी, ये मेरे को बड़ा तंग कर रही है। ओके बाद में। अच्छा अच्छा, एक काम क्यों नहीं करते, हमारे फिल्म का एक बहुत हिट गाना हो गया है जिसपे आयुष्मान पहले भी डांस कर चुके हैं। अच्छा हाँ, तो उसपे डांस बेटर है? आप चाहते हैं कि आयुष्मान आपको उठाए? आप उठना चाहते हैं कि डांस करना चाहते हैं? इनसे पूछिए पहले। नहीं, डांस बेटर है, वो लड़की की चॉइस है भैया। हाँ, थैंक यू बाजी, सो टैलेंटेड यार, यू आर गॉर्जियस। क्या बात है, कोका बड़ा प्यारा पहना हुआ आपने। मेरे को भी आता है डांस, आपके साथ भी कर सकती हूँ सर। कल कल करूंगा, तैयारी करके आऊंगा कुड़ी में। पक्का पक्का। थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए, और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी मैडम। माय नेम इज रशीदा।
बहुत बहुत स्वागत है रशिदा जी आपका. थैंक यू. हम लोग की जब भी वी वर फ्रेंड्स एंड आफ्टर दैट जब भी रिश्ता आया था उनका मेरे हस्बैंड का ही. कहाँ है हस्बैंड आपके? कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है. हस्बैंड साहब क्या हाल चाल? ठीक है. बहुत बहुत स्वागत है जी. तो इनिशियली घर वालों ने मना कर दिया था. अच्छा. कि तेरे लोग ज्यादा बेटर, यू आर मच ब्यूटीफुल देन हिम. अच्छा. और थोड़े हेल्दी भी थे और सावले भी थे मेरे से. अच्छा जी. तो उन्होंने मेरी ओपिनियन इतनी नहीं ली थी जब भी और वो रिजेक्ट कर दिया था रिश्ता. अच्छा. फिर मैंने अपना मतलब ओपिनियन शेयर किया मेरे फैमिली से रिजेक्ट होने के बाद. तो मैंने शेयर किया कि मुझे तो यही चाहिए कि मेरे से लुक्स थोड़े लो ही हो सो दैट मुझे रीजन क्या उसका? ऐसे क्यों मतलब? इसलिए कि मुझे सैटेलाइट बन के नहीं घूमना है. He should concentrate on me, of course, everywhere we go. और सोशल अकाउंट्स चेक करने की जरूरत नहीं है. You are completely opposite. फिर वापस से रिजेक्ट होने के बाद इनकी बहुत कोशिश रही दूसरों को मैसेजेस पहुंचाने की. अच्छा. तो अब ये थोड़ा शेयर करें. हेलो एवरीवन. हेलो. हाय. यो बात है कि पसंद किया था, अब सोचा था करना तो इन्हीं से है. अच्छा. और कहीं जाना नहीं है, कहीं देखना नहीं है. अब पहली नजर में प्यार वाला सीन. जी, पहली नजर. अच्छा, वाला. क्या बात है. अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था लुक्स. अच्छा. को लेके मेरा मानना था कि लुक्स उनके अच्छे हैं पर मेरे काम में वांदा नहीं. नहीं सर, आप दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही है. मतलब थैंक यू वेरी मच सर, दिस दिस इज रियली वेरी नाइस ऑफ यू. कब से फंसे हैं आप? आई मीन कब से कब कितने साल हो गए शादी को? शादी को 10 इयर्स हो गए हमारी शादी. 10 इयर्स हो गए. अरे वाह. हैप्पीली मैरिड. नाउ हैप्पीली मैरिड. वी आर हैविंग अ किड आल्सो. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू रशिदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए. और कोई हमारे मित्र? जी भाई साहब. हाँ, देख ली मैंने आपको. कैसे आप? माइक ले लीजिए. हेलो एवरीबॉडी. हेलो एवरीबॉडी. एक अर्चना जी पे एक हाँ जी अर्चना जी पे एक बात है. हाँ. आज कुर्सी पे ऐसे लग रहा है जैसे हिंदुस्तान की महारानी बैठी हो. थैंक यू भाई. थैंक यू. वाह. आप कहाँ से आए? दिल्ली से. क्या नाम है सर आपका? राजीव. राजीव, ड्रग फ्लड कर रहे हैं आप. थैंक यू सो मच. इनके पति देखे ना आपने, कितने लंबे चौड़े हैं. वो तो दोस्त हैं अपने. अच्छा. तो फिर तो मैं भाभी हो गई. बड़ी भाभी है हमारी. मुझे आपकी सफेद हो रही हैं, बड़ी भाभी उनको बोल रहे हैं आप. अच्छा राजीव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई शादी में जैसे इनकी बाल की प्रॉब्लम आ रही है. हाँ. ऐसे हमारी थोड़ी हाइट की प्रॉब्लम आ रही थी. अच्छा जी. तो हमने जब लड़की देखी, मेरे को पसंद आई लेकिन घर वालों को नहीं पसंद आ रही थी. ऐसे मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम, वो बोले कि उसकी हाइट कम है. कितनी कम थी आपसे? कम से कम 1 फुट. हाँ, तो 1 फुट तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ही है. तो मेरे को तो पसंद थी. तो फिर? लेकिन फिर मैं नाराज हो गया, घर वालों से लड़ पड़ा. स्वीट ही इज दैट. फिर अब क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने तो यही करनी है. फिर वो बोले नहीं. फिर कम से कम 1-2 महीने हमारा झगड़ा चलता रहा. अच्छा. फिर उसके बाद वो अब माँ तो माँ ही होती है, बेटे के लिए मान गई. सो स्वीट. वेरी क्यूट ही है. तो फिर मम्मी की और बहू की अभी दोस्ती है पक्की के? ठीक है. हाँ. तो हमारी शादी को अभी 27 साल हो गए. अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. कहाँ है वो? साथ है. कहाँ है? नमस्ते जी, कैसे हैं आप? इतनी तो अच्छे लग रहे हैं आप दोनों साथ में. भाई साहब बड़े मजाकिया हैं. हंसाते हैं आपको घर पे ऐसे? हंसाते रहते हैं आप? काम धंधा भी किया करो. शुक्रिया सर, धन्यवाद शो में आने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. भूमि, आपको अपने पार्टनर के रूप में आपको कैसा लड़का चाहिए? ऐसे में पूछ ही सकता हूँ मैं. पूछ ही सकते हो. देखो कपिल, मेरी ना बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट्स है. ऑनेस्टली यू नो, मुझे लगता है कि अगर मेरा कोई परफेक्ट पार्टनर हो, वो एक ऐसा इंसान हो जो मुझे कम्प्लीटली एक्सेप्ट करे विद ऑल माय फ्लॉज एंड विद ऑल माय पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स. जो आप ऑलरेडी मुझे कर लेंगे, मुझे पता है कपिल आप जिस तरह से मुझे देखते हैं.
एंड एट द सेम टाइम मैं उसके जो भी फ्लॉज है, क्योंकि क्या होता ना देखो फ्लॉज मेरा बस एक ही है, बस मेरी शादी हो चुकी है और तो कुछ नहीं, बाकी तो मतलब ये भी रूल चेंज होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं, नहीं मतलब। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सॉरी, चेंज द टॉपिक। ओके ओके सॉरी। यामी, आप क्या देखना चाहेंगे अपने पार्टनर के रूप में? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, वन इज व्हाट भूमि सेड, कि जो आपको एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं जी, एंड एट द सेम टाइम एक एबिलिटी हो उनमें, एक आपको इंस्पायर करने की, इंस्पायर टू डू एनीथिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एस्पिरेशन। मुझे लगता है फिजिकल, और फनी हो। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत पेरिफेरल होती है, वो ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करती है। एग्जैक्ट, जो शाहरुख खान साहब बोल के गए हैं, प्यार दोस्ती है, प्यार सच में दोस्ती है। एक्चुअली इट शुड बी योर फ्रेंड। हां, इट्स कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप। और कोई हमारे मित्र सहभागी कोई? जी हेलो सर। ओए, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। अरे बड़े अच्छे गाने बनाते हैं ये। मैंने एक्चुअली आयुष्मान सर के लिए गाना लिखा था। अब सारे गाने हमारे शो में ही लॉन्च करते हो ना? नॉर्मली मतलब फिल्में बड़ी अच्छी लॉन्च होती हैं, गाने भी इधर ही करता हूँ। चलिए, आपका प्यार है, धन्यवाद। अभी क्या नया गाना बनाया आपने? तो मेरे दो दोस्त हैं जिनको लोग अधगंजा बोलते हैं, तो उन्हीं की परेशानियों के ऊपर गाना था। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ सुना दूँ आज आपको। ऑफ कोर्स, सुनाइए सुनाइए प्लीज। Thank you, Vipin. So good. So Shukriya, good. धन्यवाद, बहुत अच्छा गाना था। It's a wonderful It's song. Fantastic. Wonderful song. Very nice. Song. Yeah. Thank you Very so nice. much. So good. Yami, Ashman Baji, Bhumi, आपको सबको बताया stars के बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं. So many, you know, rumors. पर हम हमेशा उनसे confirm करते हैं, हम मानते नहीं. सुनी सुनाई बातों पे. Yami, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप इतनी गोरी इसलिए हैं क्योंकि आप सफेद रसगुल्ले में दही मिलाकर रोज मसाज करती हैं। थोड़ा सा गलत है, ये मैं खाती हूँ सफेद रसगुल्ला और दही डुबो के। Exactly. इसलिए। No nationally, I'm just joking. It's a bad joke. I said, wow. अर्चनाजी तो ऑर्डर करने लगी थी अभी रसगुल्ले। या मैं रसगुल्ले खाती हूँ, आधा किलो लेके आओ। आयुष्मान, अफवाह कि आपको एक्सपेरिमेंट फिल्म में करना बहुत पसंद है, इसलिए बाला के बाद आपकी नेक्स्ट फिल्म जो है बाल तोड़ और गमोरियों के ऊपर है। नहीं पाजी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नेक्स्ट फिल्म उसके बाद शुभ मंगल ज्यादा सावधान है, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर है। ओके, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, वाओ, वो भी एक्सपेरिमेंट है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। भूमि, ऐसी अफवाह है कि कई बार तो आप स्क्रिप्ट भी नहीं सुनती, सिर्फ जल्दी जल्दी साइन कर लेती ताकि आप ऐसे मुझे नजदीक से देख सके। ये अफवाह, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसको दो तीन बार ऐसे रिप्ले कर करके चलाया जाए इस लाइन को। थैंक्स, आई वांट टू फील जेलस माय वाइफ। आई वांट टू फील जेलस, सेंटेंस गलत हो गया। अब मैं बीवी को जलाना चाहता हूँ। हाँ, मेन बात। ओके, यामी, आपके बारे में फाया कि आपके डिम्पल्स देख के जो लड़के मरते हैं, उसमें से एक डिम्पल आपने ऐसे ऐसे करके खुद बनाया। ये वाला एक ही है। नहीं नहीं, थैंक्स टू माय मम्मी एंड पापा, गुड जींस। उन्होंने बनाया ऐसे करके। गुड जींस, गुड जींस। ओके, गुड जींस। जीन जींस तो पहनी नहीं आप। ये देखो, आपका ह्यूमर से ऐसे कर रहा है, पता क्या? सम टाइम इट हैपेंस, करते रहो करते रहो, एक दिन आएगा यही बातें करोड़ों में लिखेंगे। आयुष्मान, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब बाला की शूटिंग चल रही थी तो जल्दबाजी में आप बाला के गटअप में घर चले गए और आपकी वाइफ ने कहा अंकल आयुष्मान घर पे नहीं, आप बाद में आना। काश घर जाने का मौका मिलता। कानपुर लखनऊ में शूट कर रहे थे, घर जाने का मौका ही नहीं मिला। पूरी फिल्म एक ही फ्लो में सारी शूट की आपने? एक ही फ्लो में। वाओ, पहले कानपुर, फिर लखनऊ, और 45 डिग्री सेल्सियस में प्रोस्थेटिक्स लगाकर 2.5 घंटा लगता था रेडी होने में, और इट वाज वेरी टफ। बहुत मेहनत लगती है यार, नो डाउट। भूमि, आपके बारे में ये फाय कि आप स्कूल में लड़कों को छेड़ती थी। व्हाट? 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 इज इट ट्रू? नो, नो कपिल, टेक अ चिल कपिल। यामी, आपके बारे में ये फाय कि आपको चाय इतनी पसंद है कि कोई अच्छी सी चाय बना के पिलाने वाला लड़का अगर आपको मिल जाए तो आप उससे शादी भी कर सकती हैं। ये सच है, अफवाह नहीं है। मतलब कोई लड़का बहुत अच्छी चाय बना के आपको पिला दे तो आप उससे शादी कर सकती हैं? बिल्कुल। और अगर साथ में दो बिस्कुट भी दे दे और लड़का शादीशुदा हो, सॉरी। दोनों साइड अब तुम शुरू हो जाओगे। या तो मेरे को कुछ रिस्पांस फाइनल लिख के दे दो, तो फिर मैं, मेरे को पता हो
कि मुझे इधर ही फोकस करना है. नहीं 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 भूमि, ये तुम्हारी तरह साइड ठीक है. मैं मैनेज कर लूंगी. प्लीज पुश हिम. यू विल मिस मी. आयुष्मान, ये अफवाह है कि आपने यूपी में इतनी सारी फिल्में शूट की हैं कि यूपी गवर्नमेंट अब आपको हर महीने तनख्वाह देती है. आई थिंक ये सच है. काश ये सच होता. काश. बाजी पता क्या है, देखो हर 10 किलोमीटर बाद ना हमारे देश की जो भाषा थोड़ी चेंज हो जाती है. जी अब यूपी के इतने लहजे आ गए, मुझे लगता है वहाँ इलेक्शन लड़ सकता हूँ. एक्चुअली और मुझे लगता है मैं आयुष्मान का साथ दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी 5वीं फिल्म आई थिंक जो हमने शूट करी वो मेरी 4थी फिल्म है जो मैं यूपी में लगातार शूट कर रही है. मेरी वाइफ तो बोल रही है अब यूपी में शादी कर लो, मुझे गर्लफ्रेंड बना लो. यामी एक अफवाह ये है कि आप चाहती हैं कि विक्की डोनर 2 में आपके ऑपोजिट आयुष्मान नहीं बल्कि राजकुमार राव काम करें. ये अफवाह है? उन्होंने पूछा था मुझसे कि यामी के अलावा कौन कर सकता है. अच्छा हाँ अलावा ना, अलावा बोला था. कर तो कोई भी सकता है, भूमि क्यों नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स कर सकती है. ऐसा कर तुम दोनों लड़ लो. मैं यही चाहता था. बड़ा मजा आया. मैं यही चाहता था कि ये दोनों लड़े. हम खड़े तो ऐसे हो गए जैसे कल्मिनेशन होने वाला एपिसोड का. आइए बैठते हैं. ओके इतना नर्वस हो गया था जैसे वाइफ और गर्लफ्रेंड में लड़ाई हो गई वैसे लग रहा था. पर लड़ाई हुई नहीं हमारी, मतलब सपोर्ट कर रहे थे दोनों को. ये देखो मर वोटर सिचुएशन ऐसे होते हैं. वोटर सिचुएशन ऐसे होते हैं. नहीं जबरदस्ती भूमि आपके बारे में ये फायदा कि आपको बचपन से ही रोमांटिक फिल्में इतनी पसंद थी. आवाज लो की है ना आपने. आपको 6th क्लास में ही किसी लड़के से प्यार हो गया था. मैं जानना चाहती हूँ मेरी सारी अफवाहें ऐसे क्यों है कि मैं लड़कों को छेड़ती हूँ. Exactly. मुझे 6th क्लास में किसी से प्यार हो गया. क्यों फैला रहे हो तुम ऐसी अफवाहें? मैं चाहता हूँ जो उड़ रही हैं उनको बंद किया जाए या तो बताया जाए. इज इट ट्रू? या इट्स ट्रू. इट्स ट्रू. तो क्या बड़ी होके क्या हो गया तुम्हें? जब प्यार करने की उम्र है तब लड़कों को इग्नोर करती जा रही हो. अच्छा यामी आपके बारे में ये फायदा है कि आपको लगता है आप पिछले जन्म में मछली थी इसलिए आज तक आप वाटर योगा करती हैं. पानी में कैसे योगा करते हैं यामी? सांस नहीं रुक जाती? आप स्विमिंग करते? स्विमिंग 2 सेकंड तक करता हूँ उसके बाद डूब जाता हूँ. मतलब ज्यादा नहीं कर पाता हूँ. पर एक्चुअली बहुत बहुत मजेदार है, आपको जरूर करना चाहिए. डेफिनेटली बंद करो आज. मैं नहीं नाचेगी. क्यों नहीं नाचेगी मैं? क्यों? हैप्पी दिवाली. Happy Diwali! Happy Diwali! Happy Diwali! Happy Diwali! क्या हो गया? Happy Diwali! सपना? दिवाली तो निकल गई. हाँ सही बात है, दिवाली तो निकल गई. इनके एपिसोड की तैयारी में हमारी दिवाली तो निकल गई. आयुष्मान मैं अभी पब्लिक को आपकी चुगली लगेगी. जो हमारी शूटिंग हो रही है दिवाली के अगले दिन हो रही है और हमारा जो टेलीकास्ट है ना वो सैटरडे को होएगा. दिवाली के दिन आप लोग दिवाली की तैयारी कर रहे थे, हमारी दिवाली तो इनके एपिसोड की तैयारी में निकल गई. सॉरी यार, इसीलिए मैं इनको सब दे दी. बम बिम हमारी दिवाली तो मनी नहीं. अब इसका क्या, मैं आचार डालेगी घर के अंदर? हमारी दिवाली तो निकल गई रे कप्पू. बम बिम हो गया वहां पे. अभी अब यही बम फोड़ना है. इतना भड़क क्यों रही है? अरे अक्षय कुमार क्या कम थे क्या? जो साल में 5-5 पिक्चर लेकर आते थे,
इन्होंने 8-8 पिक्चर लाना शुरू कर दिया मार्केट में। अरे उनका तो अच्छा था, सुबह 5-6 बजे का शूटिंग रखते थे, इन्होंने तो त्यौहार के दिन शूटिंग रख डाली रे। दिवाली लेकिन जो भी है, ये तो मैं मजाक के लिए बोलती है। मैं आप लोग का ट्रेलर देखी, मैं मेरे को बहुत मजा आया। ये पिक्चर सुपर हिट होंगी, शुभ मंगल ज्यादा सावधान बहुत मस्त पिक्चर है। बाला को प्रमोट करने आए वो? नहीं नहीं, मैं शुभ मंगल ज्यादा सावधान का प्रमोशन आज करेगी। क्यों? ऐसा ना हो होली के दिन उसकी शूटिंग लगवा दे। और मैं पहले बता रही है, मैं गीली नहीं आएगी स्टेज के ऊपर होली के दिन। गीली नहीं आएगी? हाँ, पिछली बार पे प्रमोशन पे आए थे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वो भी नहीं देख पाए हम लोग। हाँ याद है, या ये दिवाली की वाट लग गई हम। पर सपना तो है, अच्छी बात ही है ना कि आयुष्मान भूमि यामी साथ में दिवाली मना रहे हैं। लेकिन सही में इन लोग की मैं बहुत फैन है, दोनों बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोग दोनों ने मेरे को अंदर से बहुत खुशी हुई ली है। हमको भी खुशी हुई। अंदर से तो होगी, अंदर से मर्द जो है तू। मेरे बारे में तू ये सब मत बोलना, समझा? आयुष्मान पे बहुत गुस्सा आया है मेरे को आज। मैं सच्चे में तो मेरे को I don't like आयुष्मान खुराना, I like आयुष्मान पुराना। मैं बता रही आप, पहले ज्यादा अच्छे थे ये। सपना वो फिल्म प्रमोट करने है, फिल्म की बात कर तू। शाम को फिल्म देखने चले क्या? हमने फिल्म की बात कर ली, अब तू मेरे को बीच में बिल्कुल नहीं टोकेगा। मैं बता रही तेरे को, इतनी बार आप प्रमोशन पे कभी ये नहीं, सपना मेरे से चल, मैं तेरे को इंटरवल तक पिक्चर दिखाऊंगा, हम लोग साथ में थिएटर में जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। I don't like आयुष्मान खुराना, I like आयुष्मान पुराना। तो इनकी फिल्म की बात करेगी कि नहीं कोई? मेरे मुंह में रॉकेट जलाएगा तो अभी। मैं हीरोइन लोग से बात करेगी। हाय, कैसे हैं? हाय, ठीक, आप कैसे? बस क्लास, आप सांड के एक्ट में थे ना? हाँ। मैंने तो देखा, मेरे को किधर नजर नहीं आई। मैं तो दूसरी साइड भी आके देखी ऐसा। बल्कि सांड की आंख मेरे को देख के ज्यादा लाल हो गई थी। तो सपना, वो उनकी फिल्म का नाम है सांड की आंख। अच्छा, तो पहले बताने का ना बाबा, नाला सोपारा में जितने सांड मिल रहे थे सबको ढूंढ रहे थे मैं, किधर किधर है, किधर है, किधर है। आई आस्क वन थिंग, आप लोगों ने दम लगा के हईशा में भी काम किया था ना? नहीं, मेरे को लगता है दम लगा के हईशा में ज्यादा दम लगा, इसलिए सारे बाल निकल गए बाला में ना। नहीं, उस वजह से बाल नहीं झड़ते। अच्छा, मेरे को पूछने का ना आपसे, ये आपका जितना पिक्चर रहता है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे विकी डोनर है, उसे प्रॉब्लम ही था उसमें? नहीं, उसमें लोगों का प्रॉब्लम था ना, आप मदद करते थे उनको, फिर शुभ मंगल सावधान नहीं, उसमें प्रॉब्लम था, उसमें आपको प्रॉब्लम, सावधान की प्रॉब्लम, फिर फिर ड्रीम गर्ल आई ली आपकी पिक्चर, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, उसमें मतलब लड़की का आवाज निकलने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बधाइयों में आपके मम्मी डैडी को प्रॉब्लम था। इतना आप ये प्रॉब्लमेटिक पिक्चर कर रहे हैं, जो अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम जो रहता है, मेरा छावा है नाला सुपारा में, मुकेश। हाँ, मेरा पर्सनल छावा है, खुद का है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मेरे को लगता है आपको उस पर पिक्चर करना चाहिए। हम लोगों ने सब्जेक्ट भी लिखे है। क्या प्रॉब्लम है? फुंसी का प्रॉब्लम है उसको। उसको ना इधर ऐसा बहुत बड़ा फुंसी आया है, तो उस पर हम लोगों ने एक सब्जेक्ट लिखे है, तो वो अभी ना हम लोगों ने टाइटल भी रजिस्टर किया है। क्या? मैं फुंसी तोरे झांगन की। मैं आपको उससे मिलाएगी, आपको सब्जेक्ट का मस्त तैयारी करेगा। अच्छा, ये पिक्चर में आप गंजे लोग पे पिक्चर बना लेना। हाँ, तो मेरा एक छोटा प्रमोशन करना, आई एम वेरी पुअर गर्ल, कैन यू हेल्प मी? हाँ, मेरे पे तेल लगा ले। ये आपका पिक्चर देख के ना मैं तेल बनाई गंजे लोग के लिए। तो इसमें क्या, ये तेल लगाने से 2 घंटे में बाल आ जाएंगे? 2 घंटे में? हाँ, सपना का जादुई तेल, मसाज करो लगा के पंजा, कोई भी नहीं बचेगा गंजा। मसाज करो लगा के पंजा, पंजा। यामी, आप देखेंगे ऐसा, कोई नहीं बचेगा गंजा, कोई नहीं बचेगा गंजा। Are you sure, दीदी? ये सेफ है? हाँ, this is very safe and you can go online also for this. Yeah, we have a website called takla.com.
चल सपना जा, तेरा बहुत हो गया आज। ऐसे कैसे जाएगी, बिना मसाज के मैं जाती नहीं। मसाज एक्चुअली यू फर्स्ट टाइम नो यार पार्लर? या यस दीदी, दिस इज आई हैव ब्यूटी पार्लर, आप तो जानती रहेंगे। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है जी। आपके लिए शुभ मंगल सावधान मसाज है। इसमें क्या है? उसमें क्या रहता है, शुभ आता है मंगल को तेल लगाते हैं, फिर अर्चना जी को फोन करता है, बोलता है सावधान सिद्धू जी कभी भी आ सकते हैं। एक्चुअली यह मसाज नहीं थी, ये बहुत बड़ी सूचना थी दैट ही कैन कम एनी टाइम। फिर आपके लिए एक और मसाज है मेरे पास, अंधाधुन मसाज। अच्छा, इसमें क्या है? ये क्या रहता है, कस्टमर कपड़ा उतारते हम अपने हाथों में तेल लगाते, फिर अपने पैरों में तेल लगाते, फिर एक बड़ा सा रॉड लेते उस पर तेल लगाते और अंधाधुन मसाज करते, मस्त रहते। फिर आपके लिए एक स्पेशल मसाज है, भूमि पेंडेकर मसाज। इसमें क्या? उसमें क्या है? उसमें हम क्या करते, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते हाँ। फिर उसको भूमि पे लेटाते। अच्छा, फिर उसके हाथ में पेन देकर हम उसके मसाज करते, भूमि पेन देकर, ऐसा हम ना वर्ड प्ले करते हम लोग इधर। अब उनका नाम भूमि पेंडेकर है, मैं पेंडेकर ही बोलेगी। क्यों? वो हमारी दिवाली खराब कर दी उन्होंने, हम उनका नाम भी खराब नहीं कर सकते क्या? हम नाम खराब कर रहे हैं। अच्छा, बाल फिल्म के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सपना, ये बालों पे फिल्म बनी है, बाल फिल्म नहीं, बाल फिल्म बच्चों के लिए होती है। अच्छा, बच्चों से मेरे को याद आया, आपने दिवाली खराब किया ना, मैं भी आपका एक पोल खोलेगी अभी। ए बच्चे लोग आओ रे, कौन है ये बच्चे? बाला बाला बाला, ये बाला फ्रॉम विकी डोनर, ये बाला फ्रॉम बधाई हो, और ये बाला फ्रॉम दम लगा के हैशा। ये तीनों इनके बाल है? हाँ, अरे इनका तो आर्टिकल 15 है, अभी तो मार्केट में तीन ही आर्टिकल ढूंढ के लाई है। सपना चल तेरी बात मान भी लें, ते बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए? आयुष्मान खुराना कभी कोई छोटा काम करते क्या? ये बड़े ही काम करते। तुझे कैसे पता ये सबके सब आयुष्मान के बच्चे? हाँ तो मेरे को सब मालूम है, अगर ये लोग बाला है ना तो मैं श्रीमती बाला। फैबुलस। सपना ये फालतू के काम कर, चल निकल यहाँ से। अरे हमें जा रही है, मेरे को बहुत काम है। आपके भाई भी आते हैं हमारे पास, आपके सगे भाई है ना अपार, वो मेरे पास शक्ति लेने को आते हैं। पिछली बार आया था, अपना शक्ति छोड़ गया, मैंने धो के सुखा के रखे लाए भी। तो अभी आएगा तो उसको दूंगी मैं, ठीक है? फिर आना आप, बाय, जल्दी आना, लेकिन 3-4 एपिसोड बाद आना। मेरी नौकरी छीनेगा इधर, वाट लगा देखिए, मैं समझा। चलो चलते, बाय, ऑल द बेस्ट पिक्चर के लिए। आओ बाजी, आइए, आजो आजो बाजी। एक बार भूमि, यामी और आयुष्मान के लिए जोरदार तालियां। बाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू भूमि, थैंक यू यामी, थैंक यू। और बड़ा मजा आता है हमेशा जब भी आप लोग आते हैं। सो अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का, जो लेंगी यामी। Come on, baby. Baby. अच्छा जी आइए ना, baby. Come on. अपनी नहीं, हम सबकी। आप राइट साइड पे आ जाओ। अच्छा। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, और आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, लव यू ऑल, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.